फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अजलान और आप देख रहे हैं अजलान इन्फोटेक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची में जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है उसके असरात के ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कराची में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें तमाम दुकानें, बाजार, शॉपिंग सेंटर सब बंद हैं। सिर्फ दूध की दुकानें और करियाना और मेडिकल स्टोर को खुलने की इजाज़त है, वो भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ दूध की दुकानें ही खुली हैं। और जो वायलेशन करता है उसे पुलिस मुर्गा बनाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इन सब को मुर्गा बना के पैरेड करवा रहे हैं। दूसरी तरफ होटल और मिठाई की दुकानें बंद होने की वजह से दूध की डिमांड कम हो गई है और उसकी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से दूध की प्राइस भी कम हुई है, जो कि 60 रुपये से लेकर 100 रुपये लीटर तक है। और एक्स्ट्रा दूध सड़कों पर ज़ाया किया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग दूध को ज़ाया कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दिखाया है लॉकडाउन के असरात का। सो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।